बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने ICS पार्ट 2 की बुक के चैप्टर नंबर 2 एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स को मुकम्मल कर लिया था। आज के लेक्चर में हम आगाज करने जा रहे हैं ICS पार्ट 2 की बुक के चैप्टर नंबर 3 का, जिसका नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद सी। और दोस्तों, जैसे कि आपको इसके नाम से भी पता चल रहा है कि यही वो चैप्टर है जहाँ से हम बाकायदा सी लैंग्वेज को सीखना शुरू करेंगे। तो आइए जानते हैं कि इस चैप्टर में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर में जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा व्हाई वी लर्न सी प्रोग्रामिंग। तो यानी आपको ये पता होना चाहिए कि आप सी लैंग्वेज तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इसको सी लैंग्वेज को ही क्यों पढ़ रहे हैं। हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी पढ़ सकते हैं, हम जावा भी सीख सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी सीख सकते हैं। हम सी प्रोग्रामिंग से सीखना क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, ये तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे आपके लेक्चर नंबर 1 में, विच इज Why we learn C programming, जिसमें हम C programming की history को देखेंगे, advantages के को detail में discuss करेंगे और साथ के साथ आपको एक C program का integrated development environment दिखाएंगे। यानी एक C program को लिखने के लिए आपको कौन सा software चाहिए होता है, उस software में जो basic options होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस तरह आप उसकी environment से मुतारिफ हो सकते हैं, इसकी डिटेल हम आपको फराहम करेंगे। के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डेवलपमेंट साइकिल ऑफ सी प्रोग्राम। यानी दोस्तों, जब आप एक सी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसे किन किन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले आपको उसे एडिट करना होता है, लिखना होता है, उसके बाद कंपाइल करना होता है, फिर लिंकिंग होती है, फिर उसके बाद जाकर वो रन होता है। तो ये तमाम चीजें किस तरह से मिलकर आपस में काम करती हैं और आखिर में आपको आपका आउटपुट मिलता है, ये डिटेल हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 3 में फराहम करेंगे। और इसके बाद जो आखिरी हमारा लेक्चर होगा इस चैप्टर का वो होगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। यानी यही वो लेक्चर होगा जहां से हम बाकायदा आपको सी प्रोग्राम लिखना सिखाएंगे। एक बेसिक सी प्रोग्राम किस तरह से आप लिख सकते हैं, उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जिनको लिखना आपके लिए लाजमी होता है, अदरवाइज आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो ये तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम के लेक्चर में। तो डियर फ्रेंड्स, ये वो तमाम टॉपिक्स थे जो कि हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। अगले लेक्चर में हम बाकायदा आगाज करेंगे टॉपिक नंबर 1 का, विच इज व्हाई वी लर्न सी प्रोग्रामिंग, जिसमें हम आपको हिस्ट्री, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज से मुतारिफ करवाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।